नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार मनपा घर पट्टी पैसा घोटाले के बाद अब सामने आया पेपर घोटाला। प्रभाग समिति आई के घर पट्टी विभाग में 10 सालों से क्यों नहीं हुई बदली, उठने लगे सवाल। वसई विरार महानगर पालिका को देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिकाओं की सूची में शामिल होने के आरोप बार बार कई बार लगते रहे हैं, और जब कभी आरोप लगते हैं उस समय उन आरोपों के गर्भ में जाकर पड़ताल की जाती है, तब उन आरोपों के सच होने की पुष्टि भी होती दिखाई देती है। लेकिन मनपा प्रशासन के रवैये में न पहले कभी बदलाव आया था, न अभी हालिया दौर में सामने आए मामलों के बाद भी कोई बड़ा बदलाव आया हो। अभी पिछले महीने वसई विरार महानगर पालिका की प्रभाग समिति सी चंदन साल में घर पट्टी विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत अरुण एम जानी ने घर पट्टी वसूली के 76 लाख रूपये का अपहार करते हुए समय पर मनपा खजाने में जमा नहीं करवाए थे, जिसके बाद जांच हुई और उसमें अरुण जानी दोषी भी पाए गए। तभी मनपा प्रशासन ने अरुण जानी को दिखावे के लिए सिर्फ उनके पद से निलंबित कर दिया और अरुण जानी के खिलाफ किसी तरह की पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जबकि मनपा में तत्कालीन आस्थापना विभाग के उपायुक्त दीपक कुल्लेकर ने प्रभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त गणेश पाटिल को FIR दर्ज करवाने का लिखित आदेश भी दिया था। उसके बाद एक विधायक महोदय ने उपरोक्त मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके चलते मनपा आयुक्त ने तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त गणेश पाटिल का भी निलंबन ऑर्डर निकालते हुए गणेश पाटिल को भी प्रभारी सहायक आयुक्त पद से हटा दिया। गणेश पाटिल के पद से हटने के बाद अधीक्षक अजय चौककर को प्रभारी सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विराट चंदन सर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि अभी एक नया मामला प्रभाग समिति आई में सामने आया है, जहां घरपट्टी विभाग में कार्यरत लिपिक कल्पेश पाटिल पर एक आवेदक आसिफ मेमन के घरपट्टी हस्तांतरण दस्तावेज गुम कर दिए जाने का आरोप लगा है। दरअसल आवेदक आसिफ मेमन ने 4 महीने पूर्व 14 जून 2023 को अपने घर के हस्तांतरण हेतु मनपा में दस्तावेज जमा किए थे। दस्तावेज के साथ पेपर नोटिस हेतु 400 रूपये भी जमा किए थे, लेकिन 4 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी आसिफ मेमन की घरपट्टी का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। आसिफ मेमन ने जब घर पट्टी हस्तांतरण नहीं होने के पीछे का कारण मनपा में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि पिछले 6 महीने लगभग से मनपा प्रभाग में कर अधीक्षक का पद रिक्त पड़ा है, जिस कारण मनपा में आने वाली अर्जियों की आगे की प्रोसेस नहीं की जा सकती है। इस पर आसिफ मेमन ने अपनी अर्जी दिखाए जाने का सवाल किया तो लापरवाही भरा जवाब मिला कि अर्जी मिल नहीं रही है, गुम हो गई है। या तो इसके पहले भी मनपा प्रभाग समिति आई में कई बार लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। बीते दिन आसिफ मेमन ने इस पूरे मामले पर स्थानीय पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाई, जिसमें कैमरे के सामने आसिफ मेमन ने मनपा घरपट्टी विभाग द्वारा उनके दस्तावेज गुम कर दिए जाने की बात कही, जिसमें इशारों में अवैध पैसे वसूलने की फिराक में दस्तावेज जानबूझकर गुम करने का आरोप भी लगाया। आसिफ मेमन के इस मामले की पड़ताल के समय घरपट्टी विभाग में ठेके पर कार्यरत लिपिक कल्पेश पाटिल की अधिक जानकारी निकाली गई, तब चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दरअसल ठेका कर्मी कल्पेश पाटिल पिछले लंबे समय से मनपा प्रभाग समिति आई में तैनात है। कई स्थायी अधिकारी और कर्मचारी आए और गए, लेकिन कल्पेश पाटिल वहीं के वहीं सालों से घरपट्टी विभाग में ही कुंडली मारे बैठा है। कल्पेश पाटिल पर धन उगाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोप अपनी जगह है, लेकिन कल्पेश पाटिल जो कि ठेकेदार मार्फत मनपा में कार्यरत है, उसके खुद के नाम पे अपना CSC कॉमन सर्विस सेंटर भी है, जो नियमों के विरुद्ध है। आपको इस तस्वीर में जो एक बंद दुकान दिखाई दे रही है, जिसके बोर्ड पर साई लीला एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, ये दुकान कल्पेश पाटिल के ससुराल पक्ष की है और इसी दुकान में कल्पेश पाटिल के नाम की CSC सेंटर की ID का इस्तेमाल होता है। जैसा कि सरकारी नियम है, कोई भी व्यक्ति अगर स्थायी या अस्थायी तौर पर किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्त हो, उस व्यक्ति को व्यापार करने दूसरी ओर कोई सरकारी स्कीम नहीं मिल सकती है। इस लिहाज से कल्पेश पाटिल सरकारी CSC सेंटर के लिए पात्र नहीं हो सकता है, फिर भी CSC सेंटर चला रहा है। हालांकि कल्पेश पाटिल मनपा में ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया हुआ कर्मचारी है, तो जाहिर सी बात है कल्पेश पाटिल ने जब CSC सेंटर हेतु आवेदन किया, तब मनपा में नियुक्ति की बात उसने छिपाई और सरकारी नियम तोड़कर CSC सेंटर हासिल किया। सोचने वाली बात यह है कि कल्पेश पाटिल का CSC सेंटर तहसीलदार कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है, जबकि तहसीलदार कार्यालय में सेतु कार्यालय पहले से ही मौजूद है, तो इतने करीब में CSC सेंटर दिया कैसे गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। मनपा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कल्पेश पाटिल के CSC सेंटर की जानकारी है, बावजूद इसके कल्पेश पाटिल धड़ल्ले से CSC सेंटर का संचालन कर रहा है। और तो और मनपा में ड्यूटी पर होने के समय भी अपना बायोमेट्रिक हाजिरी भरकर घर पट्टी वसूली के नाम पर मनपा कार्यालय से निकलकर कल्पेश पाटिल अपने निजी CSC सेंटर पर जाकर वहां का कामकाज देखता है
और फिर कार्यालय बंद होने के पहले फिर से अपना बायोमेट्रिक हाजिरी भरकर दैनिक फॉर्मेलिटी पूरी करता है। वैसे कल्पेश पाटिल अकेला ऐसा कर्मचारी नहीं है आई प्रभाग में जो कि कार्यालय के समय पर कार्यालय से नदारद रहता हो, बल्कि यह सूची काफी लंबी है और इसीलिए एक दूसरे को बचाने कोई किसी के खिलाफ सवाल नहीं उठाता है, न ही कार्यवाही करता है। वीडियो में आगे सुनिए आसिफ मेमन व इस मामले पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश वर्तक द्वारा लगाए गए आरोप को। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आर्थिक रूप से मदद करने चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर पेड मेंबरशिप लीजिए। धन्यवाद। आसिफ भाई, आज आप आई विभाग में आए हुए और घर पट्टी, आपका ही घर पट्टी का क्या घोटाला किया है इन लोगों ने? घोटाला ऐसा है कि मैंने घर पट्टी ट्रांसफर के लिए किया था जो 16/4/2023 में, आज हो गए उसको 6 महीने एक्स्ट्रा हो गए। वो बोलते तुम्हारे पेपर हमारे से घूम चुके, तो पेपर घूमे उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। मैंने पेपर नोटिस की पावती पढ़ा हूँ, रिसी कॉपी है, सब पेपर जमा किया हूँ। अब उनको पैसे के लिए कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। वो लोग बोलते तुम्हारे पेपर घूम गए, अब घूम गए हैं तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरी घर पट्टी ट्रांसफ़र करके चाहिए, मैं 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ। वो लोग जब भी आता जब बोलते तुम्हारे पेपर हमारे से मिस हो गए, घूम गए, देख रहे हम लोग ढूंढ रहे। अब उनको पैसे चाहिए क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मेरा घर पट्टी ट्रांसफ़र करके नहीं मिला तो मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। घूमकर मोन कोई साहेब है समीर घूमकर मोन उपायुक्त आहेत घरपट्टी कर विभागाचे। त्यांनी अनेक वर्षापासून इकडे एक राहणारा कल्पेश पाटील म्हणून राहणारा त्याचा जावई असं मला वाटते, आणि या भ्रष्टाचाराला खत घालणारा तो कुंकर, आणि हा इकडनं लुटमारी करून कल्पेश त्यांना पोचतो आणि 6-6 महिने पेपर लपवून 6-6 महिन्यांनी काहीतरी क्युरी काढायची, एक पेपर काढून लोकांना त्रास द्यायचा आणि मग पैशाची मागणी करायची। आणि ह्यांचं कोण काही बिघडत नाही कारण तो बसलेला कुंकर आणि त्यानंतर सामान्य प्रशासनाला बसलेले काय त्यांना अंधाराळे, ह्यांचा याच्यावर दुर्लक्ष आहे। ह्या घरपट्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तीत घरपट्टीचा घोटाळा चालू आहे। गिलसन साहेब प्रत्येक वेळेला त्याला सांगतात की ही घरपट्टी कामं लवकर झाली पाहिजेत। आता दिलेले आम्हाला वाटतं मिलिंद इंगळे साहेब आहेत, त्यांच्याकडे पण दिलेलं आहे, त्यांनी पण सांगितलं लवकर लवकर सगळ्यांची कामं मार्गी लावा, आपण कर वसुली करायचा आहे। तुम्ही काय 7-12 तुमच्या नावावर नाही ना, परंतु तुम्ही लोकांना काय करतात, वेठीत धरायचे तुमच्या ठेक्याचे कर्मचारी आणि अनेक वर्षापासून त्यांचे बदल्या होत नाही। याला घुमकर हा जबाबदार आहे आणि हा लाचखोर अधिकारी आहे आणि हा भिकमाग या भिकारी आहे। अच्छा, प्रत्येक वेळेला आपण ह्या आय विभागमध्ये आणि इतर ठिकाणी असे घोटाळे काढतात आणि आता ह्या घोटाळा निघाल्यानंतर आपण पुढचं काय पावलं असणार? इकडच्या सर्वांचे जर घरपट्ट्या तयार करून दिल्या नाही ना कोणाच्याच, तर ह्या गुमकरचा इथे फोटो लावून त्याची आरती केली जाणार आहे आणि हार घालणार त्याला आम्ही लवकरच, इकडे पूजा करणार आम्ही त्याची चांगल्या पद्धतीने, श्राद्ध घालणार त्याला या गुमकरला। आयुक्तांची दखल घेतल्यानंतर भाजपतर्फे आंदोलन करून विरारमध्ये जसा घोटाळा झाला तो ज्यांनी म्हणून कोण माणूस होता त्यांनी घोटाळा केला, तशाच पद्धतीने आपल्याकडे दुसरा ज्यांनी तयार झाला कल्पेश पाटील म्हणून आणि अनुज त्याबरोबर कोण ठाकूर म्हणून कोण तरी काय, हे दोघं जण घोटाळा करत बसतात आणि लोकांना लुटायला चाललेलं आहे आणि या कोळी लोकांना सगळ्यांना लुटायला सुरू केलेलं आहे। ह्यांच्यावर यांनी जर कारवाई नाही केली तर इथे भारतीय जनता पार्टीतर्फे इथे आंदोलन केलं जाईल आणि पहिला म्हणजे त्या उमकरचा इथे फोटो लावून त्याच्या निषेध केला जाईल। जोडे मारे आंदोलन करणार, निलेश होता इथे बसणार आणि त्याला चप्पलाने मारत बसणार, बस हे आपलं हे कारण याची ताबडतोब बदली झाली पाहिजे, हक्कलपट झाली पाहिजे कल्पेश पाटीलची। इकडून आपण हे सूचना सहआयुक्तांना दिलेली आहे का? आम्ही अगोदर कळवलेलं पण त्यांना घुमकर पाठीशी घालतो ना, कारण घुमकरला हप्ते जातात, कारण हे लोक सगळे मालदेजी आहे लाटून त्या घुमकरला देतात, त्यामुळे घुमकर बदली करत नाही कारण घुमकरनीच त्याला ठेवलं आहे इकडे। अरे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।